आई फील कि मेरे को 200 आज मिल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम हाईवे टेस्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टेस्ट किया था सिटी माइलेज। अगर आपको ये वीडियो में समझना है कि कब कितने पॉइंट पे कितने किलोमीटर्स पे कांडी टाटा अल्ट्रोस की गिरती है ऑन हाईवे, तो वीडियो पूरा देखें और एंड में एक प्रेडिक्शन भी मिल जाएगा कि ये ऑन हाईवे कितना एवरेज देता है। तो आप एंड तक पूरा वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा कि ये गाड़ी मतलब अगर आप लेने को कंसीडर कर रहे हो तो आपको हाईवेज़ पे सिटीज़ में कितनी माइलेज देगी और कितने पॉइंट्स पे आपका आएगा और कितना कॉस्ट आएगा, तो आप उस तरह से अपना बाइंग प्लान कर सकते हो। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुल। तो रात के 12 बज रहे और मेरा टैंक एकदम खाली है और अभी भर रहा है CNG। देखते कितना आता है, क्योंकि कल निकलना है अलीबाग के लिए सुबह सुबह, तो वहाँ पे हाईवे मिलेगा तो उसका भी माइलेज टेस्ट हो जाएगा। और इस सर्विस के बाद है मोस्ट प्रोबेबली 8.5 आएगा, मोस्ट प्रोबेबली। जो प्रेशर कितना है वो देखना पड़ेगा, 210 का 8.4 kg आया है। ट्रिपे को ज़ीरो कर दिया, जस्ट CNG भरा है और देखते हैं कि हाईवे माइलेज क्या आता है। तो मेरा मोस्टली पूरा हाईवे ही होने वाला है, 100 किलोमीटर आना 100 किलोमीटर जाना। तो पहले घर जाऊंगा, घर जाने के बाद सुबह उठूंगा और सुबह तुरंत निकल जाऊंगा। तो CNG मैंने फुल करा लिया, अभी भी मुझे हाईवे ही पड़ रहा है, बट इट्स अ सिटी हाईवे, नॉट हाईवे एकदम प्रॉपर हाईवे जैसा नहीं है, सिटी हाईवे जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होता है और रेयरली वो भी ड्यू टू सिग्नल और क्रॉसिंग इसकी वजह से ही होता है। अभी आप जैसे मेरा ऑडोमीटर देख सकते हो, ऑडोमीटर में देखोगे तो CNG फुल है। ट्रिप पे लगाया 3.7 किलोमीटर चल चुका हूँ और रात के 12:48 AM हो रहे हैं और ये ट्रिप ए लगाया है। The next day. So, अलीबाग के लिए निकल गए और अभी 11 किलोमीटर का राइड हुआ है, कांडी नहीं गिरी है। जनरली 10, 11, 12 पे गिर जाता है, जैसे ही कांडी गिरता है मैं आपको बताता हूँ। चलो वाइल्ड ड्राइविंग, एक अभी ट्रैफिक मिला था 5 मिनट का, स्लो मूविंग मतलब बहुत स्लो, तो उसमें एक पे आ गया है, तो अभी एक कांडी गिरा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर एक बार गिरा हो, अभी ट्रैफिक पे गिरा, अगर ये मूविंग होता तो कम से कम 25 तक जाता। मे बी ट्रैफिक इज द रीज़न कि बाहर गिर गया, उसके पहले तो एक भी ट्रैफिक नहीं मिला, तो 19 किलोमीटर तो स्मूथली चला गया एक गो में, बट लेट्स सी हाउ इट गोस आगे। सो अप्रॉक्स 40 किलोमीटर हो गया है, रोड्स काफ़ी अच्छे मिले हैं, आगे भी ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं था और एक कंटिन्यूस स्पीड में था। और अभी पनवेल में हूँ तो यहाँ पे भी एक अच्छा मतलब डिसेंट स्पीड चल रहा है। तो ये क्लो, ये अभी भी मतलब सिटी है बट सिटी हाईवे पकड़ सकते हो आप। सो दिस इज़ ऑल सिटी हाईवे। अभी यहाँ से निकलेंगे फलसपे बाटा से, जो मेन रास्ता आएगा, असली टेस्ट तो वहाँ पे, क्योंकि इतने दिन के बाद जा रहा हूँ, 2 साल हो गए अलीबाग के बाद अलीबाग में जा रहा हूँ, तो आई थिंक अलीबाग विल बी अ गुड राइड। पता नहीं बारिश के बाद रोड कैसा होगा, तो रोड का कंडीशन भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि राइट नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ अलीबाग का रोड। टिल टाइम रोड तो काफ़ी स्मूथ आया है, बहुत अच्छा रोड आया है। अभी अप्रॉक्स 45 किलोमीटर का ड्राइव हो गया है और टिल टाइम कोई रोड में खराबी नहीं आई है। और बाहर का अपडेट करूँ तो अभी भी 4 बार ही गए हुए हैं, मतलब 4 बार है, एक ही बार गया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि 50 किलोमीटर्स वी हैव टच्ड और स्पीड 60-70 बहुत अच्छा रोड मिला, जैसे ये तो अच्छा ही है, तो मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं जनरली 60-70-80 यही स्पीड में चलता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रॉक्स 60 किलोमीटर चला लिया है। जब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था इसी में वीडियो में, तो 20 किलोमीटर पे एक बार गिर गया था, तो 20 के बाद अपन 35 किलोमीटर चल चुके हैं ऑन हाईवे, बट एक भी बार नहीं गिरा है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ CNG ऑन हाईवेज। बट टिल नाउ द रोड्स छोटे छोटे जो
गांव वाले रोड थे जो जहाँ से पास होता है एक विलेज से दूसरे विलेज में, वो खराब मिले हैं। बाकी तो ओवरऑल हाईवे टिल टाइम बाय गॉड ग्रेस अच्छा ही मिला। दूसरा चीज़, जहाँ पे गाड़ी स्लो डाउन हुई वहाँ पे इसने कांडी छोड़ा, ये एक चीज़ हमें पता चल गई है समरी के लिए। और दूसरा चीज़, 66 किलोमीटर पे दो कांडी, दो ही कांडी है ना, हाँ दो कांडी हम लोग ने बलिदान दे चुके हैं। तो अभी ये दो कांडी के सेक्रीफाइस अगर 66 किलोमीटर का है तो एक कांडी पे 30 किलोमीटर, पांच कांडी पे 30 × 5 150 नहीं मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट कांडी तो 220 पे ही उसने अपना दम तोड़ दिया था। आई फील कि मेरे को 200 आज मिल सकता है, आज मेरे को 200 मिल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 40 अगर मेरे को एक पे दिया है एक कांडी पर और बाकी भी तीनों पे 40-40 देता है, तो ये चार पे 40 × 4 = 160 तो 160 पे इतने दे दिया, पहले वाले कांडी पे 20 तो 180 ऑन माइंड रख के चलते हैं। शायद आते टाइम भराना पड़े CNG। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड और देखते रहो, एटलीस्ट आपको भी आइडिया आ जाएगा कि CNG हाईवे पे कितना माइलेज देता है। टाटा अल्ट्रोस, इसमें भी मुझे फील होता है कि जो टाटा अल्ट्रोस के दो पार्ट्स हैं, एक XM सीरीज़ है और एक XZ सीरीज़ है। XZ सीरीज़ का टायर थोड़ा अलग है और XM सीरीज़ और XZ सीरीज़ के टायर में बहुत डिफरेंस है। मे बी जो XM वाले सीरीज़ हैं उनको थोड़ा बेटर माइलेज मिल सकता होगा, क्योंकि हमारे वाले टायर का जो XZ का टायर है उसका प्रोफाइल थोड़ा छोटा है, 60 का है, और जो XM है उसका शायद 80 का है। तो मे बी दैट हेल्प्स, आई डोंट नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, बट ये तो कोई अच्छा टायर वाला ही बता सकता। थोड़ा प्यास लगा था तो इस टाइम में मस्त गन्ने का जूस दिखा वो पी रहे हैं। और अभी का भी स्टेटस जो है वो ध्यान से देखिए, ट्रिप ए है 72.5 पे, 3 बार स्टिल ऑन, टाइम 11:30 के आसपास, और पेट्रोल ऑलरेडी रिजर्व मोड पे। तो बीच में काफ़ी सिटी मिल गया, तो मुझे नहीं लगता वो जो हम लोग माइलेज सोच रहे हैं वो अपन अचीव कर पाएंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर का स्ट्रेच तो मिल गया सिटी और एक स्पीड बहुत नॉर्मल चल रहा है। ये करंट स्टेटस है 96, 2 बार रिमेनिंग, 3 बार अपना 96 में गया, 2 बार बचे तो 2 बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली 3 है, क्योंकि एक बार जाएगा फिर एक बार जाएगा फिर जो ई मोड आएगा वो भी तो चलता है काफ़ी टाइम तक, तो टोटल 6 होता है। तो 3 पे 90 आया और 3 पे 90 आ गया, 180 मिल गया। इट्स अभी हमने रिटर्न लिया है, 120 पे है और अभी भी 2 बार्स बाकी हैं। लेट्स सी कितना इसको खींच पाएंगे, बट ठीक है हाईवे सिटी में अभी तक टिल टाइम जो भी इसने दिया है ना 120, इट्स गुड। मतलब ये मेरे को ये 120 सिटी में देता है मुंबई में, अब ये मेरे पास 2 कांडी बचा भी है तो बेटर है ना वैसे। सो गाइस अभी एक बार गया है जस्ट 30 सेकेंड पहले एक बार गया है, तो पकड़ के चलो 132। अभी आई डोंट रिमेम्बर कि इसके पहले कितने पे बार गया था, कहीं कहीं बीच में ये सब रोड्स पे है ना ऐसा बड़ा खड्डा आता है। एक बार मनोरवाड़ा रोड पे तो एक्सपीरियंस हो चुका हूँ मैं, अब मैं जहाँ पे भी ऐसे खड्डे देखता हूँ मैं गाड़ी एकदम स्लो कर देता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीडेंट्स जो होते हैं एक दूसरे को इस खड्डी की वजह से होते थे। वो एक बार मेरा डैश कैम लग जाए ना तो ये सब की वीडियो डालना चालू करूँगा मैं, ताकि गवर्नमेंट को पता तो चले कि कितना प्रॉब्लम्स में हम लोग गाड़ी चलाते हैं, टैक्स देने के बाद भी, टोल देने के बाद भी,
एक माइलस्टोन पूरा किया है। ये देखो हम लोग लास्ट बार पे हैं और 158 पे आ गए हैं और ओल्ड टोल क्रॉस कर रहे हैं। क्यों बना है टोल पता नहीं, लास्ट ई पे है और अभी जाना है टोटल 50 किलोमीटर्स। आई डोंट थिंक सो कि ये कर पाएगा, बट देखते कहाँ तक जाता है। सो देयर इज़ अ बिग अपडेट, अभी तक सीएनजी है और वो हो गया है 194.6 किलोमीटर। सीएनजी अभी भी ई मोड पे धीरे 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 चल रहा है। सो 200 क्रॉस कर लिया है। अब ध्यान से देखोगे तो अभी भी सीएनजी पे ब्लिंक कर रहा है 203.8 और अभी भी गाड़ी चल रही है ऑन सीएनजी। ये देखो ये ग्रीन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और ये यहाँ पे खत्म हो गया है सीएनजी जस्ट अभी सीएनजी खत्म हो गया। आप देखो मीटर तो 206 पे सीएनजी हमारी ख़त्म हुई है और अब हम चल रहे हैं पेट्रोल पे और पेट्रोल मेरे पास लो है तो 20 किलोमीटर तक पेट्रोल जाएगा। तो जहाँ पे भी नज़दीकी अभी सीएनजी मिलता है मेरे को डलवाना पड़ेगा या पेट्रोल जो भी पहला मिलेगा वो काम करवाना पड़ेगा। सो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ऑन हाईवेज आप टाटा अल्ट्रोस सीएनजी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको मुझे ये 8.4 में 200 के पार लेके गया है और वहाँ पे मतलब अलीबाग में ऐसा नहीं था कि ब्रेकिंग नहीं था, ब्रेकिंग थे, स्टॉप्स थे, एक दो जगह पे गाड़ी स्लो भी हुई है, गियर चेंजेस हुए, बट मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस जहाँ पे 30 के ऊपर भी जाता है ये। सो लोगों को एवरेज मिल रहा है और हाईवे में मुझे भी मिल रहा है। सो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप सीएनजी लेना चाहते हो टाटा का तो आपको सेफ्टी भी मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, एक लुक भी मिल रहा है और ऊपर से बूट स्पेस भी मिल रहा है। तो यू कैन गो फॉर इट।